नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में कुछ ऐसे चीजें आपको बहुत बेसिक तरीके से बताएंगे जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको, अगर आप एक्सेल यूज करते हैं या एक्सेल में आप काम करते हैं, तो इसमें कुछ चीजें ऐसे होते हैं आपको पता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने एक्सेल में देखना चाहते हैं कि हमारा जो एक्सेल होता है इसमें कितने कॉलम होते हैं, देखिए पहला पॉइंट आता है, अगर आप एग्जाम भी देते होंगे इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि जो आपका एक्सेल है उसमें कितने आपके रो या कॉलम होते हैं। लेकिन बात करने वाले कि इसमें कॉलम कितने होते हैं। देखिए अगर आप कॉलम देखना चाहते हैं तो आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं, पहले जान लीजिए देखेंगे कैसे। मान लीजिए अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, आपको ए यहाँ पे देखिए लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने यहाँ पे इस तरीके से होते हैं इसको बोलते हैं रो, यानी इसको बोलते हैं रो। और कॉलम का मतलब होता है कि आपका ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप कॉलम देखना चाहते हैं तो जो यहाँ पे नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे आपके एक तरीके से कॉलम होते हैं। अब देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉलम अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉलम भी देख सकते हैं, रो देखना चाहते हैं तो रो देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कितने आपके रो होते हैं, तो रो देखने के लिए आपको क्या करना है कि मैनुअल तरीके से आप कीबोर्ड से एरो बटन से प्रेस कर आएंगे, तो आप इस तरीके से दबाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, इसको आप देखना है तो आप देख सकते हैं कि कितने रो होते हैं। तो देखने के लिए आप क्या करिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आपका जो डाउन एरो है इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बता दिया कि 10,48,576 यहाँ पे आपके रो होते हैं एक्सेल में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो हमने देख लिया, लेकिन अब चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं, तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे देखिए एक स्क्रॉल भी दिया हुआ है, आप इस तरीके से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इतने करने के बजाय आपको शॉर्टकट एक बताते हैं, बस आप क्या करिए कि अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल और अप बटन, जैसे आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर वाली यहाँ पे आ जाएंगे, या एरो भी आप इसी तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ये आपका हो गया रो। अब चलिए आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉलम होती है उसकी कितनी संख्या होती है, तो कॉलम देखने के लिए देखिए कॉलम की जो संख्या होती है एक तरीके से 256 होती है मिनिमम। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका कहाँ तक जाता है, मान लीजिए ये जो अल्फाबेट है कहाँ तक रहता है लास्ट वाला, जैसे ए बी सी डी, इसका आप देखना चाहते हैं तो आप फिर से कंट्रोल दबा कर रखिए और आपको जो राइट साइड वाला एरो उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट में आएगा यक्स एफ डी, एक तरीके से देखिए यक्स एफ डी, ये लास्ट हमारा कॉलम है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जानकारी रख सकते हैं कि कितने यहाँ पे रो होते हैं और यहाँ पे लास्ट वाला जो कॉलम का क्या नाम रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर से आप जो आपका फर्स्ट वाला है उस पर जाना चाहते हैं कॉलम पे, तो फिर से आप कंट्रोल और यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इजी तरीके से आप फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका समझ में आ गया कि रो कितने होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके एक्सेल में कितने सीटें ओपन होती हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी सीटें बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई भी एमएस ऑफिस 2010, 2016 या 2013 यूज करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट सीट 1 ओपन होती है। अगर आप और भी बहुत सारे सीटों को ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे बिल्कुल इजी तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इजी तरीके से प्लस पे करते रहिए, आप जितना चाहें उतना सीट को इजी तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सीट है उसको समझना है कि कौन से सीट पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें एक ऑप्शन देता है, आप सीट पे जाइए राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, आप जैसे रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इजी तरीके से अपने सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सीट का नाम रखना है समझिए रोल नंबर, यहाँ पे देखिए हमने रखा रोल नंबर, तो इससे क्या होगा कि इसमें ओनली रोल नंबर रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सीट का नाम भी चेंज आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए इस साइड एक
जूम पैनल भी मिलता है कि आपकी जो सीटें हैं इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और जो आपके माउस में व्हील लगा रहता है ऊपर साइड, इसको आप अप डाउन करेंगे तो इजी तरीके से देखिए इस तरीके से जूम हो जाएगा और यहाँ पे आउट हो जाएगा। आप एक बार ट्राई जरूर करिए। और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और उसको समझिए कि हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।